हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। माई सेल्फ रोहित अग्रवाल, योर फिजिक्स टीचर। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपका रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्टडी करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करता था, उसी तरीके से जो आपका रिफ्रैक्शन है वो भी कुछ सर्टेन लॉज फॉलो करता है। तो इनको स्टडी करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने होते हैं, वहाँ पर भी आपके दो लॉज थे, और उसी तरीके से यहाँ पर आपके रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉज होते हैं। पहला लॉ भी आपका ऑलमोस्ट सेम है जैसा आप रिफ्लेक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। पहला लॉ है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो हमारी नॉर्मल है वो हमें पता है हम कहाँ प्लॉट करते हैं, जो आपका इंटरफेस होता है दोनों मीडियम का, जब आपका रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर मीडियम मीट कर रहे होते हैं तो उस इंटरफेस पे हम आपकी नॉर्मल प्लॉट करते हैं। तो इसलिए द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो नॉर्मल कहाँ प्लॉट की जाती है आपकी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे मीट करती है इंटरफेस पे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद करिए, जो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ था वो भी कुछ इसी तरीके से था। तो यहाँ पे ये आपका पहला लॉ है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो आपकी नॉर्मल होती है, दे ये जो आपकी तीनों रेज हैं ये क्या होती हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब जो सेकंड लॉ है वो आपका डिफरेंट है, वो क्या है वो स्टडी कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इस लॉ से हमें समझ में आ रहा है ये क्या है, आपका एक रिलेशन है बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ था वहाँ पे भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एक रिलेशन पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे भी जो सेकंड लॉ है वो आपका एक रिलेशन है बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर यहाँ पे कहा क्या गया है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रेशियो की बात हो रही है तो इसलिए अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, मींस इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। जो आपका सेकंड लॉ है वो ये है, दैट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। और इसे थोड़ा और शॉर्ट में पढ़ें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होता है आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है आर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लॉ है इसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसका मतलब जो हमारे ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें जो आपका ये सेकंड लॉ है, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, इसे हम आपको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि स्नेल्स आपके एक साइंटिस्ट थे जिसने ये आपका प्रूफ दिया था इस लॉ का, तो इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं ये कांस्टेंट की, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक नई टर्म आपकी पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का, ये इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट के, और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका एक रेशियो है, तो हमें पता है कि रेशियो क्या होता है, सिमिलर क्वांटिटीज़ का होता है, ये दोनों ही आपके क्या हैं, एंगल्स के रेशियो हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी।
यह आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो की बात हो रही है, तो इसलिए ये जो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने लॉज का। आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं? टू लॉज होते हैं। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब आपकी जो तीनों रेज होंगी वो सेम प्लेन में लाई करेंगी। और सेकेंड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, वो क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वो रिलेशन क्या है? दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कॉन्स्टेंट क्योंकि एक रेशियो है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके किसके रेशियो के इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो के इक्वल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कि वहाँ से हमें और क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। तो उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, उनको रीड करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है हमारा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या बता रहा है? कि कितनी आपकी लाइट बेंड होगी। लाइट बेंड होगी मतलब कितना आपका रिफ्रैक्शन वहाँ पर अकर होगा। इट इंडिकेट्स द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, कि उस मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी और रिफ्रैक्शन कितना है। वो कैसे पता चलता है? मैंने यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिस मीडियम का जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर आपका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब उतनी ज़्यादा आपकी बेंडिंग वहाँ पर अकर होगी, आइदर टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये हमें बताता है कि आपका रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट कितना होगा। हायर द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू आपका क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केवल एक वही फॉर्मूला नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है? एज अ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। जो आपके टू मीडियम है वहाँ पे जो रेशियो होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट्स का, वो भी आपका क्या इंडिकेट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है। तो इसको स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एज अ रेशियो ऑफ स्पीड्स मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हमने एक आपका ये हमने एक इंटरफेस लिया। यहाँ पे आपकी कोई सरफेस है, सपोज करो कोई मीडियम है आपका, यहाँ पे ये आपका मीडियम वन है, ये आपका मीडियम टू है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स में क्या होती है? डिफरेंट होती है, और वही आपका कॉज होता है रिफ्रैक्शन का। तो हमने माना ये कोई आपकी इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है? वी वन। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपकी कोई रिफ्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वी टू। तो यहाँ पे हमारे दो मीडियम्स हैं, मीडियम वन और मीडियम टू। मीडियम वन में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वी वन। मीडियम टू में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वी टू। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। यहाँ पे जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जा रही है? मीडियम वन से मीडियम टू जा रही है। तो ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। और ये आपका किसके इक्वल होगा? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। जब आपकी रे ऑफ लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगी तो उसे हम इंडिकेट करते हैं एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक सिंबल दैट इज एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम एक सिंबल एन से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन को हम शो करेंगे N21 से।
विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में क्या है आपकी वी वन है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू क्या है आपकी वी टू है। तो यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला ऑप्टेन हो गया है वी वन अपॉन वी टू, वेयर वी वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड वी टू इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। इसी तरीके से अगर हम इसका अपोजिट केस ले कि आपकी रे ऑफ लाइट मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, तो वहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट होगा एन वन टू से, और यहां पे इसका मतलब क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू विच इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन। तो ये एक सेकेंड फॉर्मूला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पहला फॉर्मूला होता है आपका n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, जब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता हो तो वहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अपना वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था। पर अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो आपके दोनों मीडियम में, तो उसकी हेल्प से भी हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके भी मैंने आपके दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल करेगी तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वी वन अपॉन वी टू से, क्योंकि पहला मीडियम आपका वी वन मीडियम वन है, तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो वी वन है, तो वो आपकी ऊपर आएगी, और जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होकर जा रही है दैट इज़ मीडियम टू, वो आपकी डिनोमिनेटर में आएगी वी टू। इसी का अपोजिट अगर आपकी वो मीडियम टू से मीडियम वन में ट्रेवल कर रही है तो वहाँ पे हम आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन वन टू से, विच इज़ इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। अब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी एक और टर्म आती है जो है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको स्टडी करते हैं कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ा वहाँ पे हमने स्टडी करा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, बस जो आपका एक मीडियम है उसे हमने वैक्यूम फिक्स कर दिया है। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज़ यहाँ पे हमने सिंपली बस आपका क्या करा है, जो आपका मीडियम वन था उसे हमने आपका वैक्यूम फिक्स कर दिया है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या चेंज हो जाता है, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पहले ये था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, केवल आपका जो मीडियम वन है उसे हमने वैक्यूम मान लिया है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसी को हम फिर कहते हैं आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस फॉर्मूले में एक स्लाइट चेंज और है, क्योंकि हमें पता है जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ है और ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी स्टडी करते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी की आपकी वैल्यू फिक्स होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारा मीडियम वन है उसे हमने आपका वैक्यूम मान लिया है, तो इसलिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। अब क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपका चेंज कर दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, और यहाँ हमारा एक नया फॉर्मूला ऑप्टेन हुआ है एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, रेशियो हैं स्पीड के, तो यहाँ से भी हमारा प्रूव होता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, एक रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज़ का, तो इसलिए इसकी कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी।
एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी को जनरल टर्म्स में हम सिंपली बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई सर्टेन वैल्यू है, तो उसका मतलब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दैट इज़ वहाँ पर आपका जो एक मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है। अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं यहाँ पे। आपका जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो आपका होता है 1.003, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। इसी तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो आपका होता है 1.59, और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो इक्वल्स टू होता है 2.42। जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ जो अलग अलग वैल्यूज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ पे जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ यहाँ पे आपका जो एक मीडियम है वो एयर फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.42, और हमने स्टडी करा था कि जितना भी हायर द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होती है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज उतना ही ज़्यादा आपका वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी बेंडिंग होगी। जितनी ज़्यादा आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना ही ज़्यादा आपको बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब इस सेक्शन में हम लोग आपके कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बेस्ड हैं फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। जो हमने आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो पहला मीडियम आपका क्या है, एयर, और सेकंड मीडियम है आपका ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0। जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज आपको एन की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 1.50। वॉट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमसे पूछी गई है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸। तो आपको पता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ पे आपका मीडियम क्या है, ग्लास है, तो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू आपकी पता है हम उन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो अननोन वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो n आपको क्या गिवन है, 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपकी मेंशन है 3×10⁸, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपली हमने आपका जो फॉर्मूला था उसे अप्लाई करा, जो नोन वैल्यूज थी उन्हें सब्स्टिट्यूट करा, और यहाँ से आपकी अननोन वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 3×10⁸ अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.5×2 आपका 3 होता है, तो इसलिए यहाँ से आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ गई, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या क्या गिवन था, यहाँ पे आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था तो वो आपकी क्या वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना था, और आपका जो पहला मीडियम है वो एयर, और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम हम इक्वल मानते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने आपकी जो अननोन वैल्यू है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट कर ली है, और वो आपकी क्या आई है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन टर्पेटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको तीन अलग अलग मटेरियल्स गिवन है, क्या क्या, केरोसिन टर्पेटाइन एंड वाटर, और उन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, जो आपका टर्पेटाइन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, और जो आपका वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। इन विच ऑफ दीज मटीरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट।
अब हमें बताना है कि इन तीनों मीडियम में से आपकी जो लाइट है वो फास्टेस्ट किस मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए हम अपने वापस जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले पे। सबसे पहले यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। मैंने आपको बताया था जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम उसे डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही करते हैं। तो इसका मतलब ये जो तीनों वैल्यूज़ गिवन है ये आपको किसकी गिवन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, अगर मैं यहाँ पे केरोसिन की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। और ये n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इसकी n की जगह आपका 1.44 भी लिख सकता हूँ। तो मतलब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होता है। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो तीनों केस में सेम होगी। जो आपका 1.47 है वो इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। और सिमिलरली जो आपकी लास्ट वैल्यू है 1.33 वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वो तीनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो चेंज नहीं होगी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज कब होती है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वो तीनों ही इक्वेशंस का क्या है? सेम है। तो एक तरीके से जो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 1.44। मतलब जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तरीके से इन्वर्सली डिपेंड कर रही है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर मैं तीनों केस में देखूं तो आपकी जो स्पीड, यहाँ से जो टर्पेंटाइन की स्पीड है वो जाएगी स्पीड इन एयर अपॉन 1.47। सिमिलरली जो स्पीड आपकी इन वाटर है वो क्या होगी? स्पीड इन एयर अपॉन 1.33। और स्पीड ऑफ एयर क्योंकि आपकी सेम होती है तो जो आपकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इन्वर्सली आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका स्पीड उस मीडियम में लाइट की सबसे फास्ट होगी। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ये क्या है? इन्वर्सली डिपेंड कर रही है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और इसका मतलब क्या है कि हाइयर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है? टर्पेंटाइन का। तो स्पीड ऑफ लाइट लोएस्ट किस में होगी? टर्पेंटाइन में। पर यहाँ पे हमसे पूछा है इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट का मतलब जिस मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहाँ पे आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मिनिमम है। यहाँ तीनों केस में 1.44, 1.47 और 1.33 में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1.33 है। और 1.33 आपका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर का। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टेस्ट होगी वाटर में। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या पता चला कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो कि आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस रिलेशन की हेल्प से भी अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पूरा फॉर्मेटिकली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सबसे कम होगा वहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? फास्ट होगी। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो मीडियम आपका उतना डेंस होगा,
क्योंकि जो मीडियम जितना डेंस होता है वहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, लो हो जाती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि द मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर डेंसर देन अ मीडियम हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके लेंसेज, आपके टाइप्स ऑफ लेंसेज, हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।